मैं इसके लिए स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड मैथ्स जोन में। स्टूडेंट, आपका जो है टेंथ का एग्ज़ाम जो कि 2023 में होगा वो बहुत ही अब निकट आ गई है, ठीक ना। 2 महीना का समय है, इसलिए जो है आपको इस चैनल पर साइंस एंड मैथ्स जोन पर आपको मैथ्स का टोटल ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको मिल जाएगा प्रत्येक चैप्टर वाइज। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक ना, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो आपका अध्याय शुरू होगा उसमें चैप्टर आपका 7 चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को जो है भाग 1 है, ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है, 2 से 3 पार्ट, 2 ही पार्ट बनेंगे लगभग, ज़्यादातर चांस रखिए 2 पार्ट में आपके सारे प्रश्न करा दिए जाएंगे। तो चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है आज का कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये चतुर्थांश जो बनता है, ठीक है ना, ये चतुर्थांश बनता है, तो ये जो चतुर्थांश बनता है इसमें क्या होता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब तल को 2 भागों में बांटता है, ठीक ना, तो यहाँ पर ये जो है 4 क्षेत्र बनते हैं। ये चारों क्षेत्र क्या कहलाएंगे, चतुर्थांश कहलाते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपको ध्यान में हम अभी बता देते हैं, प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू माइनस में होगा, वाई की वैल्यू प्लस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही एक्स और वाई माइनस में होगा, जबकि फोर्थ चतुर्थांश में एक्स प्लस में होगा, वाई माइनस में होगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 4, -3 है, मतलब एक्स प्लस में है और वाई माइनस 3 है। तो x प्लस में और y जो है माइनस में है, इसका मतलब किस चतुर्थांश में है, फोर्थ चतुर्थांश में, क्योंकि ये देखिए फोर्थ चतुर्थांश में ये x अक्ष ये प्लस में है और ये कौन चीज़ में है, y माइनस में है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ चतुर्थांश। तो चतुर्थ चतुर्थांश ये ऑप्शन नंबर डी ही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 कहते हैं कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए जो एक्स का वैल्यू होगा वह भुज कहलाएगा और वाई का जो वैल्यू होगा वह कोटि कहलाएगा। तो अब से कोटि पूछा जा रहा है तो कोटि का मान 4 हो जाएगा इसमें 6, 4 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके आंसर। अगला प्रश्न है कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं कि एक दूरी सूत्र होता है, इसमें दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, ठीक ना, जो आपका ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू डालते हैं x2 - x1 करते हैं तो x2 कितना है आपका -2 और -2 करते हैं तो -2 - 2 -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में y2 - y1, तो y2 कितना है 3 है और y1 कितना है 3 है, तो 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 + 0 और 16 + 0 आपका √16 ही होगा और √16 का वर्गमूल क्या हो जाता है 4। तो इस तरह से ये दूरी जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर x2 के जगह पर आप x2 का मान रखिएगा और x1 के जगह पर आप x1 का मान रखिएगा। 2 बिंदु होता है, किसी भी बिंदु को आप x1 y1 मान सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं, इसमें कहता है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। अब इसमें आपको समझना है मूल बिंदु के बारे में। तो मूल बिंदु का जो मान होता है वह होता है 0, 0, ठीक है ना। ये जो हम आपको बताए थे अभी कि इस तरह से ये जो 2 अक्ष जो है एक दूसरे को काटेगा, जिस बिंदु पर काटेगा उसे मूल बिंदु कहते हैं और इसका वैल्यू होता है 0, 0।
तो 0.0 से आपको 2.3 की दूरी निकालना है। कहने का मतलब आप या तो x1 y1 0 को मान लीजिए, तो ये x1 y1 0 हो जाएगा और x2 y2 2 और 3 हो जाएगा। तो फार्मूला लगाएंगे क्या, रूट अंडर, ये हम लिख रहे हैं रूट अंडर x2 माइनस x1। तो x2 तो यहाँ x2 कितना आ जाएगा, ये अगर हम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, माइनस x1 तो आपका 0 है, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हो जाएगा 3, माइनस y1 कितना है 0, और 0 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से अगर 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही होगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस में 3 में से 0 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इस तरह से रूट अंडर 9 और 4 13 हो जाएगा। तो रूट अंडर 13 ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहता है बिंदु ए 8.10 है और बिंदु बी 4.6 है, को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु आपसे पूछा जा रहा है, मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि मध्य बिंदु ये आपका हो जाता है x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। तो ये फार्मूला हो जाता है, अगर आप x1 x2 को बटा में 2 करते हैं और y1 प्लस y2 के बटा में 2 कर देते हैं तो आपका मध्य बिंदु आ जाता है। तो इसमें हम मान लेते हैं वो x1 y1, ये x2 ये y2, तो x1 प्लस x2, तो x1 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस x2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर y1 कितना हो जाएगा 10, y2 कितना हो जाएगा 6 बटा में 2, इस तरह से 8 4 12 बटा में 2 हो जाएगा, और 12 बटा में 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 और 6 16 बटा में 2 तो 8 हो जाएगा। तो 6/8 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि बिंदु ए 4.5 और बी 6.5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है। तो चलिए यही प्रश्न है जो आपका प्रश्न संख्या 5 था, वही प्रश्न ये भी है, ठीक ना, सिर्फ अंक चेंज किया गया है। तो इसको आप आसानी से बना लीजिएगा, और आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7। तो ये प्रश्न संख्या 7 है, जो कि हम इससे पहले भी दूरी निकालना आपको बता चुके हैं, ठीक ना। तो आप खुद से प्रश्न भी कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसको भी आप क्या बनाइएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर जो है आप इसको बनाइएगा। देखिए लगातार यहाँ पर उसी टाइप का प्रश्न दिया गया है, ठीक ना। प्रश्न संख्या 8 भी आपको उसी तरह से दिया गया है, ठीक। तो इसको आप ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो 7 और 8 हो गया, और इससे पहले भी हम एक प्रश्न छोड़ दिए हैं। ये तीनों प्रश्न का आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका हो गया, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ठीक ना। तो यहाँ पर y अक्ष ये हो गया, अब इससे कह रहा है कि y अक्ष से दूरी मतलब इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे। तो इधर जाइए या इधर आइए, किसका वैल्यू हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। और x के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, x निर्देशांक या x निर्देशांक को ही क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, x निर्देशांक भी और भुज भी। तो देख लीजिए जो ऑप्शन होगा, तो भुज तो ऑप्शन है नहीं, तो x निर्देशांक आपका आंसर हो जाएगा। तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x निर्देशांक या भुज कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 की -8.6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो फिर इसमें देख लीजिए कि पहले माइनस है, x माइनस में और y प्लस में।
तो x माइनस में और y प्लस में हम बताए थे कि पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस में होता है, फोर्थ चतुर्थांश में जो होता है x प्लस में होता है, y माइनस में होता है, और सेकेंड चतुर्थांश में x माइनस में और y प्लस में। तो x माइनस में y प्लस में ये द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप ध्यान से याद रख लीजिएगा, ठीक ना, कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस में और y प्लस में, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में, चौथे चतुर्थांश में x प्लस में y माइनस में। अगर नहीं ये ध्यान में रहे तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, जब प्रथम चतुर्थांश में आएगा तो देखिए ये x प्लस में, इधर y प्लस में हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो x देखिए इधर कुंजी में माइनस में हो जाता है और ऊपर y क्या है प्लस में। थर्ड चतुर्थांश में इधर x जो है माइनस में है, y इधर माइनस में है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहा जा रहा है कि बिंदु -4.3 किस स्थिति किस पाद में है। तो सेम को देखिए, यहाँ पर माइनस प्लस था, यहाँ पर माइनस प्लस है, तो ये भी द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। देखिए अभी जस्ट हम बताए हैं कि वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, अब ये है एक्स अक्ष से दूरी, तो ये हो गया एक्स अक्ष से। इससे दूरी आप ऊपर जाइएगा या फिर नीचे की ओर आइएगा, तो ऊपर या नीचे की ओर जाइएगा तो ये वाई निर्देशांक कहलाएगा। और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो या तो वाई निर्देशांक कहलाएगा या फिर कोटि कहलाएगा, तो जो ऑप्शन होगा वही होगा। तो वाई निर्देशांक ऑप्शन नहीं है, कोटि ऑप्शन है, तो कोटि हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक्स अक्ष से दूरी जो होगा वह वाई निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक या कोटि कहलाएगा, जबकि वाई अक्ष से जो दूरी होगा वह क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है बिंदु 1.5 किस चतुर्थांश में है। तो दोनों प्लस में है इसलिए प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि बिंदु -3.-5 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए दोनों माइनस में है, मतलब कि थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी स्थित है, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक ना। ये इस तरह से ये हो गया, ये आपका हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वहाँ पर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यदि वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये एक्स अक्ष पर यदि है तो कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखिए, वाई अक्ष से 5 इकाई दाएं, तो वाई अक्ष ये है, इसे इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर कितना इकाई जाएंगे, 5 इकाई, ठीक ना। और 5 इकाई कहाँ पर जाना है, एक्स अक्ष पर जाना है। इसका मतलब वाई का वैल्यू जहाँ भी होगा बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो पी जो बिंदु होगा, ये पी हो जाएगा 5.0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि वाई अक्ष से दाईं ओर जा रहे हैं आप 5 इकाई, तो दाईं ओर इधर जाइएगा तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 का था ए है 2.-3 और बी है 2.2 और के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी वाला प्रश्न आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक बता चुके हैं, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17, कहता है ए की वैल्यू है 0.6, बी है -5.3 और सी है 3.1। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, यह त्रिभुज है, यह कौन सा त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, सब बड़ी ध्यान से समझिएगा, ये हम एक त्रिभुज बना लिए, ठीक ना, यह त्रिभुज हम बना लिए ए बी सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का निर्देशांक दिया गया 0.6, ये 0.6 दिया गया है, बी है -5.3 और सी है 3.1। अब आपको करना क्या है कि पहले ए बी की दूरी निकाल लेना है, ए बी की दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी का, जैसे कि ये x1y1 हो गया तो ये x2y2 हो गया। आप पहले ही बता दें, कोई भी आप x1y2 ले सकते हैं। फिर दूरी निकालिएगा बी सी का और फिर दूरी निकालिएगा ए सी का, ये तीनों दूरी निकालिएगा। यदि तीनों दूरी समान हो गया तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और यदि दो ही कोई
समान हुआ तो समद्विबाहु कहलाएगा, और तीनों में से कोई बराबर नहीं हुआ तो विषमबाहु कहलाएगा। तो आप दूरी सूत्र जानते हैं, तो उसी के माध्यम से ए बी दूरी निकालिएगा, बी सी दूरी निकालिएगा और ए सी दूरी निकालिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको जो प्राप्त होगा वह दो गो बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा, इसलिए कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको जरूर अवश्य बना लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 में है कि बिंदु इतना इतना को शीर्ष है, एक किसका शीर्ष है ये आपको बताना है। इसे एक चतुर्भुज दिया गया है, ठीक ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जिसमें ए का मान 0-2 है, बी 3-1 है, सी 0-4 है और डी है 3-1। अब ये कैसे बनेगा, तो ये भी वही कहानी है। आप पहले ए बी निकालिएगा, फिर बी सी निकालिएगा, फिर सी डी निकालिएगा और फिर ए डी निकालिएगा दूरी सूत्र से। जैसा कि हम ऐसे ए बी को हम निकाल कर बताते हैं, ए बी ये और ये दूरी। तो देखिए ये जो था आपका ए का मान 0-2 है, बी 3-1 है, अगर दूरी सूत्र x2-x1 तो x2 क्या है 3, माइनस x1 कितना 0, तो 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखिए 1 माइनस y1 तो माइनस 2 है ना y1, तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 1+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 2×3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से ये जो आपका हो जाएगा 9×9=18 हो जाएगा, जो कि 3√2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालिएगा बी सी सी डी और ए सी। तो इसको निकालने पर आप पाइएगा कि सभी बराबर होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्ग कहलाएंगे, ठीक ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर। अब देखिए किस अक्ष से दूर जा रहे हैं, वाई अक्ष से दूर जा रहे हैं, तो वाई अक्ष आपका ये हो गया, ये हो गया वाई अक्ष, तो वाई अक्ष पर जाना है, तो ये इस पर जाना है हमको, इस पर जाना है। एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी, एक्स अक्ष मतलब इससे 5 इकाई की दूरी जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे ये देख लेते हैं। एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, नीचे स्थित है मतलब नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ आ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ, तो नीचे जब आएंगे तो माइनस में वैल्यू चला जाएगा। तो यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू 0 होगा, लेकिन वाई की वैल्यू माइनस में 5 जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू ऊपर में प्लस की ओर होगा, नीचे माइनस की ओर हो जाएगा। तो ए का निर्देशांक क्या होगा, ये बिंदु ए हो गया, तो ये हो गया 0-5, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0-5 आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20। कहता है कि बिंदु ए 5-2 बी 9-6 को मिलाने वाली रेखा को 3-1 के अनुपात में बिंदु पी पर काटती है, तो पी का निर्देशांक क्या होगा। तो ये जो हम बनाएंगे, इसको बनाते हैं हम लोग विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है, ये जो अनुपात है इसको हम मान लेते हैं m1 / m2, ठीक ना। और इसका जो विभाजन सूत्र होता है, फॉर्मूला, वह होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। ये हो जाता है x के लिए, और y के लिए होता है m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। अगर ये दोनों वैल्यू को अगर बैठा दीजिएगा आप, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आप जानते हैं कि ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो अगर हम जिसे निकालते हैं m1 × x2, देखिए m1 इसे मानेंगे तो m1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 × x2, x2 देखिए कितना है, 9 है, तो 9 + m2, m2 कितना है देखिए 1 है, गुना में x1 कितना है, 5 है, तो 5 / m1 + m2 मतलब 3 + 1, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, ये इसको सोल्व करेंगे तो 27 और प्लस में 1/5 / 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, तो 27 × 5 आपका हो गया 32 / 4, तो ये कट कर आ जाएगा 8।
तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 8। अब देखिए आप इतना पर भी आंसर कर सकते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू इसमें 8 नहीं है, इसमें एक्स की वैल्यू 8 है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आप केवल एक्स का वैल्यू भी निकाल करके, अगर एक्स की वैल्यू मिल गया दो ऑप्शन में तो फिर वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये आप बखूबी समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 21। चलिए प्रश्न संख्या 21 में कहता है कि वाई अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4.2 से दूरी 5 इकाई है, निम्नलिखित में कौन है। अब देखिए वाई अक्ष पर है, हम पहले बोले हैं जिस अक्ष पर रहेगा उसका सिर्फ वैल्यू होगा, उसके वृत्त का वैल्यू नहीं होगा। तो वाई अक्ष पर है तो एक्स की वैल्यू 0 होगा और वाई का मान कुछ ना कुछ होगा। तो मान लेते हैं उस बिंदु का वैल्यू 0.y, ठीक ना, क्योंकि वाई अक्ष पर है इसलिए 0.y, अगर एक्स अक्ष पर रहता तो 0 होता। तो इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी देल है कितना है 5। अब दूरी सूत्र यदि लगाइएगा रूट अंडर एक्स टू का है 4 माइनस एक्स वन कितना है 0, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है 2 और माइनस वाई वन है y का स्क्वायर बराबर है आपका कितना दूरी 5। अगर ये 4 में से जुड़ेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ये आपका चल जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक ना। तो इसको a प्लस बी के स्क्वायर a माइनस बी के स्क्वायर पर चल जाएगा, ए स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab तो माइनस 4y हो जाएगा बराबर। ये रूट इधर अगर क्या स्क्वायर हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं 25 कर लेते हैं। तो इस तरह से जो ये बन गया समीकरण आपका तैयार हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक ना, वाई स्क्वायर माइनस 4y और ये 16 हो गया आपका 20 और इधर आएगा माइनस में तो माइनस हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सॉल्व करने पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब समीकरण सॉल्व करना बखूबी जानते होंगे, टेंथ क्लास में पढ़ते हैं। तो अब इसमें से y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा एक, और एक में इसमें एक कॉमन लेंगे तो इसमें भी y एक कॉमन लेने पर y माइनस 5 हो जाएगा। तो दो आंसर आ जाएगा, एक y बराबर 5 आ जाएगा और एक y बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह 0.-1 होगा या 0.5 होगा। तो 0.-1 देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है, 0.5 ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए हम पूरा बना करके आपको बता रहे हैं, ठीक ना, आप भी कोशिश कीजिएगा कॉपी कलम पेंसिल ले करके और बनाने का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में कहता है कि त्रिभुज ABC के दो शीर्षों A इतना है और B इतना है तथा इनका मध्य केंद्र इतना है, तो C का निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए C का निर्देशांक पूछा गया है, अब पर ध्यान से समझिएगा, एक ABC बना देते हैं, ठीक ना। अब इसमें A और B दे दिया गया है, ये A B दे दिया गया, C नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो लेकिन आपका G दिया गया, G का वैल्यू क्या होता है ध्यान से समझिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, मतलब सभी को क्या कर देना है, x के सभी x को जोड़ करके बटा में 3 और सभी y को जोड़ कर बटा में 3। तो हम c को मान लेते हैं x, y। तो अब अगर हमको ये हो गया x के लिए, ये हो गया y के लिए, तो अगर हम पहले x c के निर्देशांक में अगर हम पहले x निकालते हैं तो x1 प्लस x2, तो देखिए x1 क्या है माइनस 1, x2 कितना है 5 और x3 तो हम x माने हैं, तो माइनस 1 प्लस 5 और प्लस x बाई 3 बराबर देखिए x की वैल्यू इसमें क्या है जी में 0 है, तो x x के बराबर होगा और y के बराबर होगा। तो हम पहले x की वैल्यू निकाले हैं तो उसको x के बराबर कर दिए, अब ये क्या हो जाएगा से देखिए, तो इस तरह से ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर आपका जो ये 5 में से माइनस 1 घट जाएगा तो बचेगा 4 प्लस x और ये 3 को इधर 0 में ला कर अगर गुना कर देते हैं तो 0 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से x की वैल्यू हो जाएगा माइनस फोर। अब ऑप्शन देख लीजिए, माइनस फोर एक्स की वैल्यू किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी अगर रहता तो वाई का वैल्यू भी निकाल लेते। तो ये आप समझ गए होंगे इतना, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 22 के, अगर किसी प्रकार की समस्या हो, ठीक है ना, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो जिसमें हम सुधार कर सके अगले वीडियो में, अगर किसी प्रकार की समस्या आपको हो। अपने दोस्तों की भी ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय से वीडियो मिलते रहे। चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।